हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्राइम आईवीएफ से। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत कॉमन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें, कैसे करें और इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम कंसीव करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम तीन तरीके से करते हैं, या तो नेचुरल, या आईयूआई, या आईवीएफ। जब आप नेचुरल तरीके से ओवुलेशन इंडक्शन की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, एग बन रहा होता है, इसके बाद आप साथ में रहते हैं और आपका पीरियड मिस होता है, तो अब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आपने कंसीव किया है या नहीं किया, या फिर आपने कभी आईयूआई कराई होती है। आईयूआई आपकी 12 से 14, जब भी आपका एग रैप्चर होता है तब हम हस्बैंड की स्पर्म वॉश करके आपके यूट्रस में डालते हैं, इसके बाद 15 दिन का टाइम होता है, उसके बाद आपके दिमाग में यही घूमता रहता है कि हम कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करें, इसको कैसे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या फिर आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया होता है। जब आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया होता है तो या तो डे 3 ट्रांसफ़र होता है आपका, या डे 5 होता है, आप 15 दिन तक मेडिसिन कंटिन्यू लेते रहते हैं। इसके बाद आप सोचते हैं कि कैसे आपका यूरिन टेस्ट होगा, या ब्लड टेस्ट होगा, या आपका टेस्ट कैसे पॉजिटिव आएगा। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। अब आपका पीरियड मिस हो गया है, चाहे आपने नेचुरल किया हो, चाहे आईयूआई से किया हो, चाहे आईवीएफ से। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आप मार्केट से कुछ ब्रांडेड किट्स आती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट, वो आपको मैं बताती हूँ कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरह का एक किट मिलेगा आपको, वो बाजार से खरीदना है। इसके अंदर एक ड्रॉपर होगा, इस ड्रॉपर से आप यूरिन डालेंगे, यूरिन की थ्री ड्रॉप्स आप इस एक छोटा सा आपको गड्ढा दिख रहा है इसमें डालेंगे। जब आप इसमें 3 ड्रॉप डालेंगे तो इसके 2 साइन हैं, टेस्ट और कंट्रोल, सी और टी, उनमें यूरिन स्लिप करके जाएगा। तो अगर आपकी इस तरीके से यूरिन जाने के बाद 2 लाइनें आती हैं तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है, और अगर आपकी ये 2 लाइन नहीं आती, ओनली इस तरह से केवल कंट्रोल पे सिंगल लाइन आती है तो ये नेगेटिव होता है। कई बार हम यूरिन डाल देते हैं, कोई भी लाइन नहीं आती है, तो फिर ये फॉल्टी किट होती है, मतलब किट आपकी खराब है। कई बार क्या होता है कि यूरिन टेस्ट में बहुत हल्की सी लाइन आ जाती है, तो उस समय कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, या कोई और प्रेगनेंसी जैसे एक्टोपिक है, ये सब भी हो सकती है। और अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है पर यूरिन टेस्ट भी नहीं आ पा रहा, तो आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। यूरिन टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में, दोनों में बीटा एससीजी की वैल्यू पता चलती है। जब हम ब्लड टेस्ट का सैंपल भेजते हैं तो ब्लड टेस्ट से जो बीटा एससीजी है वो अगर आपका 200 है 15 दिन के बाद, पीरियड मिस होने के बाद 200 है, तो आपका वो पॉजिटिव बताता है। और हर 48 आवर्स में ये बीटा एससीजी डबल होना चाहिए। यदि आपकी वैल्यू डबल नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो एक्टोपिक हो सकती है, यूट्रस में नहीं हो सकती। इसके अलावा कई बार बायोकेमिकल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अगर आपकी वैल्यू बहुत अच्छी आती है तो इसका मतलब कंफर्म प्रेगनेंसी है। अब पेशेंट के दिमाग में ये आता है कि यूरिन टेस्ट में भी हमारा पॉजिटिव आ गया, बीटा एससीजी में भी हमारा पॉजिटिव आ गया, अब हमें आगे क्या करना चाहिए ताकि हम पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं कि हमारी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। तो इसके लिए आपका देखो यूरिन टेस्ट हो चुका है, ब्लड टेस्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट है सोनोग्राफी। कई पेशेंट को ये भ्रम होता है कि हम जल्दी सोनोग्राफी कराएंगे तो क्या बच्चे पे तो इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा, पर ये बहुत ही गलत बात है। आपको जल्दी से जल्दी विद इन 10 डेज के बाद, 10 डेज के अंदर अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। इनिशियली ये TVS के थ्रू होती है, ट्रांसवेजाइनल रूट के थ्रू होती है। उससे क्या होता है कि आपको एक तो ये कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कार्डियक एक्टिविटी आ गई है या नहीं आई है, और सबसे बड़ी बात कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है। कई बार क्या होता है कि ट्यूब में हो सकती है, तब भी आपको यूरिन से नहीं पता चलेगा कि ट्यूब में प्रेगनेंसी है, या ब्लड से भी नहीं पता चलेगा, पर अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, ट्यूब में प्रेगनेंसी नहीं है,
या इधर उधर कहीं प्रेगनेंसी नहीं है, केवल यूट्रस में ही आपका इम्प्लांटेशन हुआ है, यूट्रस में ही आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू, सोनोग्राफी के थ्रू। इससे कोई भी संबंधित और आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।